हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं 2:30। प्रेस कर रही हूँ। इतनी नींद आ रही है, जाहिर सी बात है अगर आप 2:30 बजे उठ के खाने के लिए, आपकी नींद नहीं खुलेगी। और मैं बेसिकली उठती हूँ ब्रश करने के लिए, तो मैंने ब्रश कर लिया और एक रस मलाई खा लिया, फुल कोटा ऑफ पानी पी लिया। और दिखाती हूँ मैंने पूजा कहाँ किया है। तो ये मैंने 3 जगह चढ़ाया है और 1 जगह अपने बच्चों के लिए रखा है। तो ये रहा पूजा का। दुनिया को, सारी बातों को, सब को साइड में रख के अब मैं जा रही हूँ सोने। और कल सुबह मुझे कोई उठा दे तो उसका तो खैर नहीं। तो मेरा था फास्ट, तो आज मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने मिलकर खाना बनाया और बच्चों को सारा नहलाना धुलाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, खिलाना सब मेरे हस्बैंड ने किया है। तो हाँ, बच्चों ने बस खाना अच्छे से नहीं खाया क्योंकि दाल में थोड़ा नमक कम या ज़्यादा था, पता नहीं, मैं टेस्ट तो की नहीं। अब बच्चे जो बोलेंगे तो वही जानूँगी। तो ऐसा हो गया। और पनीर की सब्ज़ी, चावल, दाल मेरे हस्बैंड ने बनाया है, तो देखिए। तो और मैंने बहुत ही सस्ते दाम पे बिग बिलियंस डे के टाइम पे मैंने ये परचेज़ किया है। तो ये 200 पीसेस का ब्लॉक पज़ल है, तो इसे बनाना है। और ये सच में बहुत ही अच्छा है, बच्चे इसमें बहुत इंगेज थे। लेकिन अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ रात को 9 बजे, तब तक ये मेरे घर से उड़ चुका है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद ही ब्लॉक पज़ल बनाना बहुत पसंद आता है। तो ये 199 में 200 पीसेज़ है, विच इज़ वेरी, मतलब बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा, मेरा बेटी दोनों बहुत खुश है इसको पाकर, और अब बहुत दुख है इसे तोड़कर। तो आज तो जिगुतिया है, तो बच्चों के लिए किया जाता है। तो आज ये फर्स्ट जिगुतिया है जिसमें मैं बहुत अच्छे से कर ली हूँ और मुझे बिल्कुल भी ना भूख ना प्यास कुछ भी नहीं लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ आज, पता नहीं क्यों, मैं हर जगह में बहुत ज़्यादा ही भूखी, भूख से तिलबिला जाती हूँ, प्यास से। लेकिन इस टाइम भगवान कसम, मैंने अभी तक, रात के 9 बज गए हैं, मैं अभी तक ना खाना ना पानी कुछ भी नहीं ली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं, मुझे जब तक शक्ति रहेगी तब तक मैं सहूँगी। वैसे 4-5 बजे तक पारण करना है तो खा लेंगे। और अब देखिए, बातों ही बातों में मुझे पता नहीं चला और मेरे बच्चों में कितनी तेज़ लड़ाई हो चुकी है। तो अब मैं सुबह का पूजा करने लगी हूँ, जो कि है भगवान जी को, चित्वाहन भगवान और चिल्लो और सियारों का जो खाना होता है, तो वो देने लगी हूँ। ये मैं तब सूट कर रही हूँ जब मुझे शाम को नहाना है, फास्टिंग वाले दिन। तो ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे थे उस टाइम मैंने ये सूट किया है। तो नहाने के पहले भी खड़ी और तेल दिया जाता है, वही मैं दे रही हूँ। आज मैं हो गई हूँ रेडी, लेकिन मैं सुंदर इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि भोजन नहीं गई है। और आज मैंने अपने पसंद से नेल पेंट भी लगाया है। और चलते हैं अब मंदिर, वो मंदिर भी नहीं है, जंगल है, तो वहाँ पे जाके हम लोग पूजा करेंगे। तो
चलते हैं पूजा करने अरियार बरियार का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये पूजा करना, तो लेट्स गो। तो ये है अरियार बरियार का पेड़ और यहाँ पे सब कोई एक एक पौधे पे पूजा करता है, तो वैसे पौधे पे पूजा किया जाता है जिस पे किसी और ने पूजा नहीं किया हो, तो थैंकफुली एक पौधा बचा था, अनेकों पौधे थे। तो यहाँ पे मैं अभी अरियार बरियार का पूजा कर रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ बोला जाता है वो कि जो कि मुझे याद नहीं है शायद, तो मैंने हिला लिया और पौधे को और माफ़ी मांग लिया भगवान से, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता और मैं कुछ लोगों से कांटेक्ट में नहीं हूँ, अभी घर से टाइम नहीं मिला तो पूछ नहीं पाई, वहाँ जाने के बाद मुझे याद आया, तो बस ये हिला रही हूँ और बस पूजा वगैरह करके और फिर यहाँ से हम लोग कथा सुनेंगे, कथा सुन के निकलेंगे। माइक पे ये जो है ये कथा कह रही थी, हम लोग सबको कथा सुने हैं और कथा सुनते कथा जरूर सुना जाता है, तो बस यहाँ पे हम लोग कथा सुन रहे हैं। बहुत सारी औरतें थी, मैं और मेरी बेटी गए थे, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के वापस चले गए, तो ये वहाँ का लोकेशन है जहाँ मैं पहले रहा करती थी, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो यहाँ पे हम लोग सारी औरतें मिल के अभी कथा सुनेंगे और फिर पूजा वगैरह करके घर से चली जाएंगी। आए हैं तो यहाँ पे मुझे कच्ची मेहंदी मिल गई है, मेहंदी का पेड़, तो मैं सोची उसमें से थोड़ा सा ले लेती हूँ और घर पे जाके पीस के हाथों में लगाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। हम लोग मंदिर से मुंह मेरा सूख गया एकदम से ना। आंटी कितना सुंदर बाल बांधी है, अच्छा देखें। वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मामा आनंद एंड मेरे भगना को, और मैं इन सभी के बर्थडे पे आज पार्टी दे रही हूँ, स्पेशली मामा के बर्थडे पे, क्योंकि मामा की ये लास्ट बैचलर बर्थडे है, इसलिए पार्टी। तो मुझे तो नहीं खाना है, लेकिन मैं इस खुशी में अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा पार्टी दे रही हूँ। तो मैंने बासमती चावल मंगवाया, दिखाऊंगी, तो बहुत मज़ा आएगा, और कल मैं उनके लिए केक भी बनाऊंगी, तो कल मामा के लिए बनेगा केक। और सारा मन तुम बका रहे हो सारे खुरपाती में, जितना बदमाशी कर रहा है ना सब तुम्हारे कहने पे, सब सब तुम सिखा रहे हो। तो हम लोगों ने अपने अपने पसंद का खाना मंगाया है और मैं नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो इतना फास्ट करते करते मारेंगे। तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, 3 लोगों का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पेशली हम अपने मामा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अगले साल से बैचलर नहीं रहेंगे, इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने अपने बर्थडे के मामा के बर्थडे पे मंगाया है जीरा राइस, चटनी, अचार, और ये है मटर पनीर, और ये भी मटर पनीर, आलू जीरा, यहाँ पे भी मटर और तड़का दाल, और यहाँ पे है मटर पनीर, अगेन मटर पनीर, दाल मखनी, तो मुझे बहुत पसंद है दाल मखनी, तो दाल मखनी, चटनी, और ये है राजमा मसाला। मामा मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब देखना,
तो अगले साल मामी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए और इससे ज़्यादा खाना हम लोग को खिलाइए अपने बर्थडे पे। कंजूस कभी पार्टी नहीं दिए हैं अभी तक, मिलते ही हैं 2-3 साल पे एक बार, तो पार्टी नहीं दिए हैं, तो जल्दी मिलिए। और मामा के बर्थडे के साथ कल केक बना के करूँगी अब सेलिब्रेट। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ। आई होप आप समझोगे। जब कोई आज ये सर फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने अभी तक पानी तक नहीं पिया है। कभी कभी मैं पी लेती थी लेकिन इस टाइम नहीं किया, और मैं बहुत टंच हूँ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आज के ब्लॉग में कहते हैं यहीं पे एंड, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। ठीक है, यार।